आईपीएल अटेंशन में कुछ चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले। ऋषभ पंत और केएल राहुल जैसे स्टार खिलाड़ियों को उनकी फ्रेंचाइजी ने रिलीज कर दिया है। अब नवंबर में होने वाले मेगा ऑक्शन में इनके लिए जबरदस्त बोली की उम्मीद जताई जा रही है। रिटेंशन का ऐलान होते ही इन दोनों खिलाड़ियों के लिए कुछ टीमों ने दिलचस्पी भी दिखानी शुरू कर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तो हिंट तक दे दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आईपीएल 2025 में ऋषभ पंत चेन्नई सुपर किंग्स के लिए धोनी के साथ खेलते हुए दिख सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि धोनी के करीबी दोस्त और सीएसके के लिए खेल चुके सुरेश रैना ने खुद एक बड़ा हिंट दिया है। रिटेंशन की लिस्ट सामने आने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है। रैना ने कहा है, मैं एमएस धोनी से दिल्ली में मिला था, उस वक्त ऋषभ पंत भी वहां मौजूद थे। जल्द ही आपको कोई पीली जर्सी पहने हुए नजर आ सकता है। सुरेश रैना के इस बयान के बाद से दावा किया जाने लगा है कि धोनी ने खुद पंत के लिए सीएसके के मैनेजमेंट से बात की है। रिटेंशन की लिस्ट आने से पहले भी कई मीडिया रिपोर्ट्स में पंत के धोनी की टीम में जाने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मेगा ऑक्शन के बाद ही पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर आरसीबी की टीम भी ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों पर दाम लगाना चाहती है। आरसीबी ने खुद इसके लिए हिंट भी दिया है। दरअसल आरसीबी ने सोशल मीडिया पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले टेस्ट मैच के लिए फैंस को टीम इंडिया के हीरोज को सपोर्ट करने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने जो तस्वीर शेयर की है उसमें विराट कोहली के साथ केएल राहुल और ऋषभ पंत भी नजर आ रहे हैं। आमतौर पर आईपीएल की टीमें अपने खिलाड़ियों को लेकर पोस्ट करती रहती हैं, इसलिए फैंस कयास लगाने लगे हैं कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए आरसीबी बोली लगाएगी। अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वाकई में ऐसा करती है तो एक बार फिर विराट कोहली और केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर साथ देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर पंत के लिए बोली लगाकर वो चेन्नई सुपर किंग्स के इरादे पर भी पानी फेर सकती है। सीएसके के पास मेगा ऑक्शन के लिए पर्स में 55 करोड़ है, जबकि आरसीबी के पास 83 करोड़ का पर्स है। अब देखना होगा पंत किस टीम में जाते हैं और केएल राहुल क्या वाकई आरसीबी के पास जाते हैं या किसी और टीम में उन्हें खेलने का मौका मिलता है।